जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एरावत हैंडीक्राफ्ट। चलो अभी आपको एक दिखाता हूँ, फोल्डिंग डाइनिंग टेबल जो कि 4 सीटर डाइनिंग टेबल है, पेवर सीसम वुड में बनाया हुआ है। बट ऐसा डाइनिंग टेबल आपने शायद किसी के पास नहीं देखा रहेगा, नया लेटेस्ट डिज़ाइन है हमारा। तो आपको एक एक चीज़ इसके बारे में दिखाता हूँ। सबसे पहले दिखाता हूँ, ये ड्रावर दिया हमने इसमें। इस ड्रावर में ये आपका स्पून है, नैपकिन है, नमक अचार वगैरह की बॉटल्स है, जो भी छोटी चीज़ें जो डाइनिंग रिलेटेड लगती है वो रख सकते हो। सेम इसी टाइप का ड्रावर मैंने बोथ साइड भी दिया। अभी जो है यहाँ पे स्टोरेज है, इसके अंदर आपके चारों के चारों चेयर इसके अंदर बैठ जाते हैं, और जब आपको यूज़ है तो आप इसको बाहर निकालिए, नहीं तो इसके अंदर ही रख दीजिए। और ये मैगनेट वगैरह लगाया हुआ है, एनी टाइम आपका क्लोज कर दीजिए। अभी आपको मैं एक चेयर निकाल के दिखाता हूँ। होल्डिंग चेयर, वेरी कंफर्टेबल, आराम से बैठिए, खाना खाइए, फैमिली के साथ चार लोग बैठ सकते हैं। 4 सीटर डाइनिंग है, बीच में आपका सर्विंग का सामान आ जाएगा, चपाती राइस जो भी रहते हैं, 1 2 3 4, और बीच में पूरा सामान। अभी आपको इसको बंद करके दिखाता हूँ कि बंद कैसे होता है। वन साइड क्लोज, सेकेंड साइड क्लोज। नीचे हमने बड़े साइज के व्हील लगाए, जहाँ मर्जी आपको एनी टाइम जैसा चाहिए वहाँ ले जा सकते हो, किचन टू डाइनिंग, डाइनिंग टू किचन, एनी टाइम इजीली मूवमेंट। अभी इसका दूसरा वाला साइड भी दिखाता हूँ आपको। ये अंदर चेयर रखा हुआ है, ये दूसरा वाला ड्रावर है। अभी मैं चेयर आपको दूसरा वाला भी अंदर रख के दिखाता हूँ। इसी तरह से आपके चारों चेयर इसके अंदर बैठ जाते हैं, इसी स्पेस के अंदर। और ये आपका हो गया आयरन टेबल, ब्रेकफास्ट टेबल, माइक्रो ओवन वगैरह कुछ रखना तो रख सकते हो इसके ऊपर, और एकदम छोटी सी जगह में साइड में लगा सकते हो। ये हो गया, एकदम साइड में लगा दिया। अभी आपको वन साइड ओपन करके भी दिखाता हूँ। और इसको ये व्हील है जो लॉक हो जाता है, अभी ये हिलेगा नहीं। और ये हो गया 2 सीटर डाइनिंग, वन साइड ओपन करने पे। अभी इसको लॉक को ओपन कीजिए, इसको क्लोज कीजिए, ये हो गया आपका बंद कंसोल टेबल। काफ़ी इजी मूवमेंट है, एकदम स्ट्रॉन्ग हैवी मटेरियल है, मेड इन इंडिया, 100% हैंडीक्राफ्ट। और इसका जो वुड है वो सीसम वुड है, पूरा 100% नेचुरल सीसम। बाकी कुछ आपको डाउट रहेगा मैं मेरा नंबर देता हूँ, उस पर आप पूछ लेना जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा। जय हिंद दोस्तों, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आपकी कितना पसंद कर रहे हो आप मेरी कोशिश को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।